गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम नए लेसन की ओर बढ़ेंगे। बच्चों तो आज का लेसन है महिला की साहस गाथा। यह लेसन संकलित है महिला की साहस गाथा, महिला एक औरत के बारे में। इस पाठ में क्या है, हम जानकारी प्राप्त करेंगे। साहस वीर गाथा यानी कथा, एक महिला के बारे में वीर कथा जो है, साहस कथा जो है वो आज हम देखेंगे। हमारे भारत देश में बहुत सारे वीर महिलाएं क्या है, पैदा हुए हैं और वो अमर भी हो चुकी है। कित्तूर रानी चन्नम्मा, बेलवड़ी मल्लम्मा और कौन, बहुत सारे यानी नीरजा, ये इन सब कल्पना चावला आदि बहुत सारे औरतें वीर गति को प्राप्त हुई है। तो उसी में से यह एक महिला है, यानी इस पाठ में आज हम बिछेंद्री पाल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ शुरू करने से पहले हम इस पाठ का आशय देखेंगे। इस पाठ से बच्चे साहस गुण, दृढ़ निश्चय, अथक परिश्रम यानी भरपूर मेहनत करना, दृढ़ निश्चय ठान लेना मन में, जो कुछ हमें बनना है वो ठान लेना, दृढ़ निश्चय, और मुसीबतों का सामना करना आदि गुण आदर्श गुण सीखते हैं। इसके साथ हिमालय की ऊंची चोटियों की जानकारी भी प्राप्त कराते हैं, यानी इस पाठ में हिमालय पर्वत के बारे में भी बताया है। यह पाठ सिद्ध करता है कि मेहनत का फल अच्छा होता है। देखिए बच्चों, जो बच्चे मेहनत करेंगे उन्हीं को सफलता प्राप्त होगी और उन्हीं को अच्छा फल मिलेगा। मेहनत करना, कोशिश करना, कोशिश करने वालों की भी कभी हार नहीं होती, और जो सतत परिश्रम करता है, मेहनत करता है, उन्हें भी क्या है, अच्छा फल मिलता है। यही इस पाठ से क्या है, सिद्ध होता है। इस लेख द्वारा छात्र यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि महिला भी साहस प्रदर्शन में पुरुषों से कुछ कम नहीं है, यानी पुरुषों के बराबरी है से महिला भी है। जिस तरह साहसी पुरुष है उसी तरह अनेक महिला भी साहसी बन गई है। बिछेंद्री पाल इस विचार का एक निदर्शन है। ऐसी महिलाओं से प्रेरणा पाकर छात्र साहसी भाव अपना सकते हैं। बच्चों को देखिए, अगर साहसी वीर कथाएं आप बताओगे तो उनके मन में भी क्या है, उमंग स्फूर्ति बढ़ जाएगी। हम भी जरूर कुछ ना कुछ बनेंगे ऐसे वो ठान लेंगे। इसीलिए जब भी वो छोटे रहते हैं तभी हमें क्या है, अच्छे अच्छे उन्हें कहानियां बतानी है, वीर पुरुषों की महिलाओं की क्या है, कथा कहानियां उन्हें सुनानी है, तभी उसके मन में साहसी गुण पैदा हो जाते हैं। देखिए बच्चों, लेसन की ओर, पाठ की ओर हम बढ़ेंगे। पहली महिला एवरेस्ट विजेता बिछेंद्री पाल को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है। चोटी यानी शिखर, अग्रभाग यानी यह पर्वत, यह बड़ा पर्वत है इसे आप, तो यह क्या है, यह शिखर चोटी।
का उसे गौरव प्राप्त हुआ है बिचन नेपाल को, क्योंकि उसने एवरेस्ट शिखर की चढ़ाई की थी। बिचन का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम किशन पाल सिंह है तो माँ हंसा देवी ने की थी। किशन पाल सिंह और हंसा देवी ने की इनको 5 संतान थे, इसमें बिचेंद्र क्या है तीसरी संतान थी। बिचेंद्र को बड़े भाई को देखकर, बड़े भाई को पहाड़ों पर अच्छा चढ़ना अच्छा लगता था। बिचेंद्र का जो भाई था बड़ा, वो पहाड़ों पर चढ़ता था। भाई को पहाड़ पर चढ़ना देखकर बिचेंद्र पाल भी क्या निश्चय करती है कि मैं भी अपने भाई की तरह पहाड़ों पर चढ़ूंगी और उससे भी अच्छा करके दिखाऊंगी। इसीलिए भाई को देखकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे भी वही करेगी जो उनका भाई करते हैं। भाई हमेशा पर्वतों पर वो चढ़ाई करते रहता था, इसीलिए वो भी ठान लेती है, निश्चय कर लेती है कि जिस तरह भाई पर्वतारोहण करता है उसी तरह मैं भी उससे ज्यादा अच्छा करके पर्वतारोहण करके दिखाऊंगी। ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರ ದೊಡ್ಡ ಅಂದ್ರ ದೊಡ್ಡವ್ರ ನೆಂಡ ಸಣ್ಣವ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಂತ, ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕನ ಚಾಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ತೋ ಐಸೆ ಕ್ಯೂ ಕಹತೆ ಹೇ ಬಡೋ ಕೋ ಅಚ್ಚಾ ರಹನಾ ಹೇ, ಬಡೋ ಕೋ ದೇಖ ಕರ್ ಹಿ ಛೋಟೆ ಸೀಖತೆ ಹೇ, ಇಸಿಲಿಯೆ ಬಡೋ ಕೋ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಅಚ್ಚಾ ರಹನಾ ಹೇ, ಔರ್ ವೋ ಜೋ ಕುಚ್ ವಿಚಾರ ಕರ್ತೆ ಹೇ या काम करते हैं वो सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे देखते रहते हैं। भाई को देखकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे भी वही करेंगी जो उनका भाई करते हैं। वे किसी से पीछे नहीं रहेगी, उनसे बेहतर करके दिखलाएगी। इसी हौसले से उन्होंने क्या किया, पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। पर्वतारोहण करने के लिए जैसे चाहे वैसे हम पर्वतारोहण नहीं कर सकते। पर्वतारोहण यानी पर्वत पर चढ़ना, इसके लिए भी हमें क्या है पहले शिक्षा लेनी पड़ती है। बिचेंद्र को बचपन में रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। पैदल स्कूल को जाती थी। बाद में पर्वतारोहण प्रशिक्षण के दौरान उनका कठोर परिश्रम बहुत काम आया। वो पहले ही पर्वतों पर चढ़ती थी, अभी वही उसका परिश्रम, कठोर परिश्रम उसे काम आया। 5 किलोमीटर रोज वो पैदल घर स्कूल घर वो क्या है पैदल जाया करती थी। अभी हमें 1 किलोमीटर यानी यहाँ से घर जाने के लिए भी पैदल जाने के लिए हम तैयार नहीं, या व्हीकल लेके आते हैं या बस स्कूल बस या सिटी बस से हम आते हैं। मदलिन जना बाळ कष्टपट्टु दुडीता इद्रु, ईगनवरिगे नमगे एनागुत्ते नडीतु अंद्रे नमगे बेड, अदरल्लि मदलु गाडि दुडि आद्रे ओंदु 4 हेज्जेनु नडीलिक्के नावु एनु माड्तेवि बेजार माड्कोंतेवि। लेकिन पहले के जमाने में पहले के आपके लोग चलने में और काम करने में बहुत ही मेहनती थे। सिलाई का काम सीख लिया और सिलाई करके पढ़ाई का खर्च जुटाने लगी। देखिए
बच्चों, रोज वो 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल आती थी और उसके बाद घर जाने के बाद वो क्या करती थी, सिलाई का काम करती थी। और सिलाई करते करते पढ़ाई का खर्च भी उसने क्या है, खुद वो क्या है, सिलाई करती थी और वो अपना पढ़ाई का खर्चा निकालती थी। ये नमग ओदि बरे ओदुदा निमग रगड़ागिरत अदल्ले केलस माडोदर दूर उळितु। इस तरह उन्होंने संस्कृत में एमए तथा बीएड की शिक्षा प्राप्त कर ली। नोड्री इकडे पर्वतारोहण माडता इद्रु, अदल्ले पर्वतारोहण प्रशिक्षण भी पा लिया उसने, पढ़ाई के साथ साथ सिलाई भी उसने सीख लिया और इस तरह उसने संस्कृत में एमए बीएड की शिक्षा भी प्राप्त कर ली। इससे पता चलता है कि बिछेंद्री पाल कितनी मेहनती, कठोर परिश्रम करती थी। पढ़ाई के साथ साथ बिछेंद्री ने पहाड़ पर चढ़ने के अपने लक्ष्य को भी हमेशा अपने सामने रखा। जब वो पढ़ाई करती थी तब उसका एक लक्ष्य था, एम गुरी। क्या था लक्ष्य, कि पर्वतारोहण करना। वो हमेशा वो अपने सामने रखा करती थी अदिन वंदे गुरी ऐन नाव एस्टोतिद्रु नावेन माडबेकु, पर्वतारोहण माडबेकु। पर्वतारोहण ही उसका क्या है, एम था, लक्ष्य था। इसी दौरान बिछेंद्री ने क्या किया, काला नाग पर्वत की चढ़ाई की और सन 1982 में उन्होंने गंगोत्री ग्लेशियर 6672 मीटर तथा रूड़ गेरो 5819 मीटर की चढ़ाई, जिससे उनमें आत्मविश्वास और बढ़ा। कालानाग पर्वत की उन्होंने चढ़ाई की और उसके साथ साथ गंगोत्री ग्लेशियर और रूड़ गेरो ये दो पर्वत क्या है, उसने पर्वतों की चढ़ाई भी की। उससे क्या हुआ, उसका और आत्मनिर्भर क्या है, स्ट्रांग हो गई, यानी कॉन्फिडेंस, विश्वास आ गया और वो मैं जो कुछ काम है वो मैं करके दिखाऊंगी करके उसने ठान लिया। इस तरह बिछेंद्री पाल क्या है, अपने भाई से भी अच्छा करके दिखाऊंगी करके उसने निश्चय कर लिया था। आगे का पाठ जो है वो हम अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो बच्चों, जितना आज मैंने सिखाया है वो आप लेसन पढ़िए, आगे का नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी। समझ में आया बच्चों?